हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका आशीष सर, और आज हम हिंदी व्याकरण क्लास 10th में वाच्य की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल ही हमने लाइव क्लास में वाच्य पढ़े, समझे अच्छे से, और आज हमारे लिए डिपार्टमेंट ने वाच्य की प्रैक्टिस करने के लिए भेज दी। क्या कमाल की सेटिंग है! लेकिन आप में से किसकी सेटिंग है डिपार्टमेंट के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल की आपको लाइव क्लास देखनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको वाच्य अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वाच्य में हमें क्या बताया जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है, जो काम है ना वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये हमें पता चलता है वाच्य से। अब देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है। इस चार्ट को समझते हैं भाई। पहले में देखो वाच्य के भेद हैं, दूसरे में वाच्य की पहचान की है, तीसरे में क्रिया के साथ संबंध है, और चौथे में एग्जाम्पल है। अब आपको क्या करना, देखो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होती है भाई, कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, और क्रिया है वो, क्रिया जो है वो लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता, सब क्रिया के अकॉर्डिंग, सॉरी कर्ता के अकॉर्डिंग चलेंगे सारा। एग्जाम्पल देखो, मनु ने बच्चों को पढ़ाया, तो जो मनु है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, क्रिया कर्ता है, तो कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया। रमा गीत गाती है, तो रमा यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो रमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो गाती स्त्रीलिंग एक वचन, मैं बाजार जाता हूँ, क्लियर है। दूसरा देखो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में भाई कर्म की प्रधानता होगी, और क्रिया के जो लिंग हैं सारा, लिंग वचन पुरुष, सब जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलते कर्म के अकॉर्डिंग पूरा समझना हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर हमारे लाइव क्लास सेशन को ज्वाइन कीजिए। मनु द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, क्लियर है, तो यहाँ पर द्वारा शब्द जुड़ गया आपका। रमा द्वारा गीत गाया गया, और मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके कर्मवाच्य के हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में कर्म की ज़्यादा प्रधानता है, यानी कि जो लिंग है, वचन है, सब जो वो कर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। अब तीसरा है भाववाच्य, तो इसमें देखो भाव की प्रधानता होती है, भाव इम्पोर्टेंट होता है, और क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन, पुल्लिंग और एक वचन होगा हमेशा। तो मैंने ये आपको कल अच्छे से समझा दिया था कि किस तरीके से ये तीनों क्रिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। और एग्जाम्पल देखो, उससे हंसा ना जा सका, इसमें कोई कर्म नहीं होगा, कर्म किस में कर्म होगा, देखो भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, कर्मवाच्य में कर्म 100% होगा, और कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो, उससे हंसा नहीं जा सका, उसे गाया ना जा सका, उससे जाया ना जा सका, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है, पहला सेंटेंस है, फिर कभी देखा जाएगा, इसकी आपने वाच्य पहचान करनी है। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने कल की लाइव क्लास ज्वाइन की थी वो मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे पहले आंसर दे पा रहे थे या नहीं दे पा रहे थे, कितना आपका सही हो रहा था, तो ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लाइव क्लास सेशन का फ़ायदा कितना हुआ। चलिए देखते हैं, फिर कभी देखा जाएगा, अब ये वाच्य पहचान करनी है। यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी, तो ये तो आप डिलीट कर दोगे पहले ही। अब आपको कौन सा होगा, तो फिर कभी देखा जाएगा, खाएगा, जाएगा, आएगा, ये सारे किस में होंगे, भाववाच्य में, तो ये भाववाच्य का आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा हटा दो, और सेंटेंस को सिंपल सा बना दो, तो क्या लिखेंगे, ये लिखा गया पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में आएगा, उसने निबंध लिखा, ठीक है। तीसरा देखो, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यह लिखेंगे आप, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई, उनके द्वारा डोर उछलकर पकड़ ली गई, तो ये कौन सा सेंटेंस है भाई, ये आपका है कर्तृवाच्य वाला, ठीक है, मुझसे साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। और चौथा है, वे बाघ छोड़कर नहीं उड़े, इसको अपने भाववाच्य में बदलना है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसे चेक कीजिए, पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है, विभाग छोड़कर नहीं उड़े, कौन सा सेंटेंस है, तो ये सिंपल सा है कर्तृवाच्य वाला। अब देखो
कौन सा इसमें सही होगा? वे भाग छोड़कर उड़ते हैं, वे भाग छोड़कर नहीं उड़ते हैं। तो एक में उड़ते हैं, एक में नहीं उड़ते हैं, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। आगे देखो, उनसे भाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। तो अगर मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर, तो ये है इसका घ, इनमें से कोई नहीं। अब आपको थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा होगा, जरूर लग रहा होगा। देखिए बताता हूँ क्यों नहीं है। इसमें जो बाघ शब्द है ना, वो कर्म है, उनके उनसे बाघ को छोड़कर नहीं उड़ा जाता। तो यहाँ पर बाघ नहीं आना चाहिए था, वरना आपका ये भाववाच्य बन जाता। बाघ ऐड है तो ये कर्मवाच्य है। तो कई बार मुझे लग रहा है तो डिपार्टमेंट कन्फ्यूज हो गया, या उसने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा सेंटेंस रखा है। चोट के कारण उनसे उड़ा नहीं जाता। अब इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो देखो ऑप्शन आपके पास चारों हैं। चोट के कारण वह चल नहीं पाता सकता, चोट के कारण वह चल नहीं पाएगा, चोट के कारण उससे चला नहीं जा रहा, या चोट के कारण वह चल नहीं सकेगा। तो देखो एक और कल के वाच्य में रूल आप समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस जिस काल का है, बदलते टाइम भी काल सेम रहना चाहिए, आप काल नहीं बदलोगे। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस का है तो बदलने के बाद प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, जाता खाता पीता सारा प्रेजेंट टेंस है, ता है ती है ते है आते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब आप जब बदलोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बदलोगे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। चोट के कारण वह चल नहीं पाता या चल नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसके एक एक्टिविटी देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, वाच्य को समझाते हुए एक पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर कैसे बनाएंगे आप? देखो मैं आपको सिंपल सा इजी लॉजिक बता रहा हूँ पोस्टर बनाने का। एक आपने क्या करना है, पौधा बना देना है। तो ये पौधा आपने बना दिया, थोड़ी सी डंडी मोटी पतली कर लेना। अब आप एक पत्ता, सबसे पहले तो ऊपर आप क्या करना है, एक बढ़िया सा फूल बना देना, और फूल में क्या लिख दो आप, वाच्य। ठीक है, फूल में वाच्य लिख दो। अब आप एक पत्ता इधर बनाओगे, ठीक है, ऐसे बना दो, जितना बड़ा आपको चाहिए, पूरे पेज में बनाना आप इसे अच्छे से। और यहाँ पे एक पत्ता आप इधर बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दो कर्तृवाच्य, और यहाँ पर कर्तृवाच्य की डेफिनेशन लिख दो कि क्रिया जो है किसके अकॉर्डिंग चलती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया सकर्मक होगी अकर्मक होगी या सकर्मक अकर्मक दोनों होगी, इसको जरूर ऐड करना इस वाले में यहाँ पर। और यहाँ पर लिखेंगे कर्तृवाच्य के उदाहरण सारे, यहाँ पर एक दो तीन जितने भी आपके आ रहे हैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर वर्कशीट वाले न लिख करके अपने वाले सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह की सब एक और पत्ता बनाओगे और उसमें बना दोगे यहाँ पर कर्मवाच्य, और यहाँ पर आ जाएंगे कर्मवाच्य के उदाहरण। इसी तरह से नीचे भाववाच्य और भाववाच्य के उदाहरण। तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस एक्टिविटी में। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। कल की लाइव क्लास ने आपको कितनी हेल्प करी इस वर्कशीट को समझने के लिए, मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएंगे। डिपार्टमेंट के साथ जिसकी सेटिंग है भाई, ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताते रहा कीजिए। और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है प्रैक्टिस टेस्ट वाच्य के, तो दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो नई अपडेट के साथ नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।